लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने प्रदेश के 16 लोकसभा क्षेत्रों की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची का अभी भी इंतजार है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। इस दौरान पीसीसी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा कि अभी 25 सीटों पर लगभग आम राय बन चुकी है और राहुल गांधी के दौरे के बाद में कांग्रेस की उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इस दौरान पायलट ने कहा कि इस बार सूची में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। पायलट के इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी ने वर्तमान विधायक और मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव न लड़ाने के फॉर्मूले पर काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का एक दिवसीय दौरा प्रदेश में है। वो पहले जाएंगे सूरतगढ़ गंगानगर जिले में, उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के पश्चात वो जाएंगे झालावाड़ और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएंगे बूंदी। अब बूंदी में हम लोगों ने एक और आम सभा रखी है। ये दोनों मीटिंग्स के बाद उनका आगमन जयपुर में होगा और जयपुर में हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, उन चिन्हित और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं जयपुर में आए ताकि राहुल जी से उनका संवाद हो सके और इन सभी जो हमारे बूथ लेवल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको ट्रेनिंग दी है पिछले 2 महीने में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।